श्री महाकाल लोक टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रभास द्विवेदी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। एमपी के ग्वालियर पहुंचे एमपी सीएम मोहन यादव, जहां उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास का सबसे लंबा समय यानी कि 11.5 साल चित्रकूट में बिताया था, जो मध्य प्रदेश की धरती पर है। भगवान श्री राम से जुड़े प्रदेश के सभी स्थानों को सरकार तीर्थ घोषणा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने व्यापार मेले को उद्घाटन करते हुए कही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2024 में हमें अयोध्या बुला रही है। 22 जनवरी को तीसरी दीपावली मनाने का मौका है। इस अवसर पर सारे प्रतिष्ठान रोशनी से जगमगाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार भी इसमें सहभागी बनेगी, क्योंकि हमारा अधिकार ज्यादा है। चित्रकूट हमारी धरती पर है। साथ ही सीएम ने एक्स पर भी पोस्ट कर चित्रकूट को विकसित करने की बात कही। उधर संभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि ग्वालियर में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं, इन्हें विकसित कर जरूरतमंदों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना प्राथमिकता रखी जाए। इसलिए पर्यटन और रोजगार की सेक्टर वाइज प्लानिंग तैयार करें। जिसके बाद कांग्रेस ने अपने विधायक और महापौर की अनदेखी का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार किया। आपको बता दूं कि सीएम मोहन यादव दोपहर 2:20 पर ग्वालियर पहुंचे और लगभग 7:10 पर ग्वालियर से भोपाल के लिए रवाना हुए थे। जिसके बाद संभागीय समीक्षा बैठक में सत्ताधारी विधायकों का दर्द झलकता दिखा। जब दतिया से कांग्रेस विधायक के साथ ही गुना और शिवपुरी से बीजेपी विधायकों ने सीएम के सामने बिजली सप्लाई की समस्या रखी और कहा कि बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है। ग्रामीण ही नहीं, शहरी क्षेत्र में निवास कर रही जनता को बिजली की बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली से संबंधित समस्याएं बताने के लिए जब बिजली कंपनी के अधिकारियों को कॉल किया जाता है तो वह ना कॉल अटेंड करते हैं और ना ही कोई सुनवाई करते हैं। आपको बता दूं कि इस बैठक में लगभग 20 मिनट सीएम मोहन यादव रुके। सीएम को शाम 5:10 से 7:50 तक अचल के 5 जिलों की समीक्षा करनी थी, पर उन्होंने 20 मिनट में प्रोजेक्टों की जानकारी ली और निर्देश दिए कि सभी काम समय पर पूरे करें। मैं अगली बैठक में डिटेल से रिव्यू करूंगा, और वहां से रवाना हो गए। अधिकारियों के अनुसार कोहरे के कारण वे जल्दी चले गए। मैं ये मान के चलता हूं कि हम सब, मैं मान के चलता हूं, अभी आप नामों के संबोधन में सिंधिया जी को भी इनका नाम बोला है, लेकिन गोपाल तो हम सब है। जिनके घर में गाय वो सब गोपाल है। मेरे घर भी गाय है और जिन जिनके घर गाय है, और उम्मीद करेंगे कि हर के घर में गाय होना चाहिए। जब हमारी राजमाता जी ने आपने बताया कि महल के अंदर, मैंने महाराज से पूछा कि अभी भी 100 से ज्यादा गाय उनके अपने महल के अंदर है, हम में से भी कई सारे परिवारों में। तो ये जो गोपाल का आनंद है, उसके आनंद की बात ही क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के अवसर पर महाराज जी आपने कदम बढ़ाया और आपने कहा कि थोड़ा साथ मिलेगा तो प्रदेश से, ये बहुत बड़ा कष्ट है, निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन भी लेंगे। और आज के अवसर पर ये जो पूरा नया प्रोजेक्ट बन गया है, प्रदेश के कई सारे नगर निगम को भी यहाँ देखने भेजेंगे। अगर वो यहाँ से सीख सकते तो ये बड़ा समाधान मिलेगा। और इसी के साथ साथ जब सबका योगदान मिला तो मैं कैसे बच सकता हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हमारे लिए मुझे तो लगता है कि सत्य अर्थों में ऋषि गालों की नगरी हमारी ग्वालियर हो सकती है, लेकिन ये गाय माता के नाम पर भी तो ग्वालियर हो सकता है, इसमें क्या अंतर है। निश्चित रूप से उन्हीं के नाम में माना जाए, ये मैं मान के चलता हूँ। और हम सब आज के अवसर पर इस पूरे अच्छे कार्यक्रम के साक्षी बने, और 5 करोड़ की निधि से मैं इस गौशाला के लिए भी अपनी पुष्पांजलि, थोड़ा सा लघु निधि देने का प्रयास करता हूँ कि आप इस गौशाला के माध्यम से जो जो आप करें, मेरे अपनी ओर से पूरे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।